एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग हिस्ट्री का सिक्स चैप्टर वीवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसे पहले की क्लास में हम लोग देखे कि कैसे इंडियन का जो अलग अलग कपड़े का जो नाम है वो यूरोपियन मार्केट में कितना पॉपुलर है। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स। तो क्योंकि इंडिया का जो टेक्सटाइल है वो बाहर के कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांडेड था, तो 18th सेंचुरी के शुरुआत में इंग्लैंड के जो टेक्सटाइल वूल और सिल्क मेकर्स थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे और वो प्रोटेस्ट करने लगे। इंडियन कपड़े का जो इंपोर्ट हो रहा था उनके देश में, जो इंडिया से लाया जा रहा था, उसको वो विरोध करने लगे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डिमांड करने लगे कि जो इंडियन कपड़े का जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर बैन लगवाया जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके बाद एक लॉ इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि जितने भी प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल इंडियन मार्केट से इंग्लैंड लाया जाता था उस पर रोक लगा दिया गया और इस एक्ट को बोलते हैं कालिको एक्ट, जो कि 1720 में लागू हुआ था। तो इसी सब में जो 18th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड में कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो जस्ट डेवलप हो रहा था। तो ऐसे समय में इंडिया से जो कपड़े इंग्लैंड आ रहा था तो उनके साथ इंग्लैंड के जो मेकर्स थे, जो प्रोड्यूसर थे, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंडियन का जो कपड़ा था वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का था और जो प्रिंटेड जो प्रिंट होता था वो भी बहुत ही अच्छा था। तो इसलिए वो चाहते थे कि उनका जो बिजनेस है वो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉस में पड़ रहे थे इंडियन कपड़ों से। तो वो चाहते थे कि उनका जो बिजनेस है वो एक सिक्योर रहे। तो उसके लिए वो जो इंडिया का जो प्रिंट होता था, फ्लावरी प्रिंट, छोटे छोटे डिजाइंस का, उसको वो कॉपी करना सीखे। और सबसे पहला जो गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में जो इंडस्ट्री बना था वो था कालिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो जो इंडियन डिजाइंस था वो उनको वो कॉपी करते थे और इंग्लैंड में उसको प्रिंट करते थे, व्हाइट कलर के मुस्लिन या फिर प्लेन कलर के जो इंडियन कॉटन क्लॉथ है उसके ऊपर वो प्रिंट करते थे। तो जो इंडियन टेक्सटाइल का जो कॉम्पिटिशन्स था ब्रिटेन लोगों का, उससे और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन देखने को मिला था इंग्लैंड में। जैसे कि 1764 में जो जॉन काय थे उन्होंने स्पिनिंग जेनी इन्वेंट किया था, जिससे कि एक साथ बहुत ज़्यादा कपड़ा प्रोड्यूस किया जा सकता था कंपेयर टू द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। तो जो ट्रेडिशनल स्पिंडल जिसमें जो कि हाथ से बुनते हैं, तो उसमें जितने कपड़े प्रोड्यूस होता है मशीन से उससे ज़्यादा होता था। उसके बाद एक और इंजन का इन्वेंट किए थे रिचर्ड ऑर्कराइट ने, जिसको बोला गया स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन के इन्वेंशन से 1786 में वो कॉटन टेक्सटाइल वीविंग को और ज़्यादा डेवलप की ओर ले गया। तो इससे देखो क्लॉथ जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस तो हुआ, उसके साथ साथ वो चीप प्राइस में भी लोगों को मिलने लगा था। तो जो इंडियन टेक्सटाइल था वो वर्ल्ड मार्केट में 18th सेंचुरी के लास्ट तक वो डोमिनेट करके रखा था। उसके बाद धीरे धीरे जो इंडियन कपड़ों का डिमांड था वो डिक्रीज होता गया। जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज या फिर जो डच ट्रेडर्स थे या फिर फ्रेंच या फिर इंग्लिश ट्रेडर्स जो लोग इंडिया को बिजनेस करने के लिए आए थे, वो लोग इंडियन कपड़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे, क्योंकि वो उसको सस्ते दाम में ख़रीदते थे और उसको अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा दाम में बेचते थे। तो पहले इंडिया में वो लोग इंडियन का जो टेक्सटाइल होता था या फिर जो स्पाइसेस होते थे उनको ख़रीदने के लिए वो लोग अपने कंट्री से सिल्वर का कॉइन इंपोर्ट करते थे और उसके बदले वो लोग इंडियन टेक्सटाइल ख़रीदते थे, जो कि तुम लोग पहले के चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर जो दीवानी राइट्स मिलने के बाद वो लोग सिल्वर का इंपोर्ट करना बंद कर दिया और उसके बाद वो लोग क्या किए, जितने भी ज़मींदार या फिर जो फार्मर्स थे उनसे वो लोग टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए। तो उसी पैसों से वो लोग इंडिया से कपड़े और मसाले खरीद के अपने कंट्री को लेके जाते थे। तो ये भी तुम लोग पहले के चैप्टर में पढ़े हो। तो यहाँ पे देखो इंडिया का एक मैप दिया है, जो कि उस समय कौन कौन से एरिया में स्पिनिंग का काम जो इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था उसके बारे में दिया गया है। तो ऐसे तीन इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था, एक था ईस्टर्न कोस्ट में, दूसरा था साउथ कोस्ट में और तीसरा था वेस्टर्न कोस्ट में। तो ईस्टर्न कोस्ट में जो इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का ढाका। देन साउदर्न कोस्ट में जो है कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे देख सकते हो, जो कि तमिलनाडु से होके आंध्र प्रदेश तक आता है, तो उसी एरिया जो है वीविंग सेंटर का इम्पोर्टेंट सेंटर बोला जाता है। उसके बाद जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे गुजरात का जो एरिया आता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़ा प्रोड्यूस होता था, क्योंकि ये तीनों जो एरिया है वो कोस्टल एरिया है और
यहाँ से जितने भी चीज़ें हैं जो जो प्रोडक्शन है उसको इजीली कहीं भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इसलिए वो लोग ऐसे कोस्टल एरिया में सेंटर जो था वो बनवाया गया था। तो ये तो था टेक्सटाइल के बारे में। अभी देखते हैं कि वीवर्स लोग कौन थे, हु वेर द वीवर्स। तो जो वीवर्स थे दे आर ऑफन बिलोंग टू द कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। तो जो लोग वीविंग में स्पेशलाइज होते थे वो लोग एक एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जिसको बोलते थे वीवर्स। तो उनका जो स्किल होता था वीविंग का स्किल्स, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र होता था, पास होता था। मतलब पहले अगर कोई पर्सन वीविंग का काम करता था तो उसके बाद उसके बेटे करते थे, देन उसके बाद फिर उनके बेटे करते थे। तो ये जो है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को पास होता था। द तंती वीवर्स ऑफ बंगाल, द ज्वालास और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेल एंड कोईकलोर एंड देवांग ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग। तो ये जो जो नाम लिया गया वो लोग वीविंग के लिए उस समय बहुत ही फेमस थे। तो सबसे पहला जो स्टेज है प्रोडक्शन का वो था स्पिनिंग। तो स्पिनिंग जो है मतलब जो धागा को बुनना, और ये जो काम है वो ज़्यादातर वोमेन लोग करते थे। तो चरखा एंड द तकली वेयर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो जिस इंस्ट्रूमेंट से वो स्पिनिंग का काम करते थे वो थे, वो था चरखा और तकली। तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया है बुक में, तो इस तरह के मशीन से जो है वीविंग का काम होता है। उसका जो थ्रेड है वो चरखा में उसको बुनते हैं, उसके बाद तकली में उसको रोल करते हैं। जब स्पिनिंग जब ख़त्म हो जाता है और जो थ्रेड जब ओवन मतलब उसको कंप्लीट होता है तो उसको कपड़े में जो है वीव किया जाता है। मतलब जो धागा होता है उसको एक एक करके जोड़ के एक बड़ा सा कपड़ा या फिर क्लॉथ का एक पीस जो है वो बुना जाता है। तो ज़्यादातर कम्युनिटी में जो वीविंग का काम होता है वो मेन लोग करते हैं, और फिर जो उसके बाद जब कपड़े का जो पीस तैयार होता है तो उसको कलर करते हैं, जो थ्रेड होता है उसको डाई करते हैं, जो डाई होता है वो डायर करता है, जो लोग कपड़े को रंगाते हैं देन उनको रंगरेज भी बोलते हैं, क्योंकि वो रंग होता है, रंग मतलब कलर, तो इसलिए उनको रंगरेज भी बोलते हैं। उसके बाद जब कपड़ा को कलर करते हैं फिर उसमें प्रिंट किया जाता है जो डिज़ाइंस, तो उसके लिए भी जो है अलग से एक स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स की ज़रूरत होते हैं, जिनको बोलते हैं छिपी गर्ज। तो ये लोग जो है कपड़े पे प्रिंट करते हैं। तो ये जो बिजनेस है या फिर ये जो हैंडलूम वीविंग है, ये जो ऑक्यूपेशन है, वो उस समय बहुत बहुत सारे इंडियंस का एक मेन लाइवलीहुड हुआ करता था। अभी नेक्स्ट देखते हैं द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो जो इंडियन टेक्सटाइल है वो कैसे धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। तो जैसे जैसे ब्रिटेन का जो इंडस्ट्री था कॉटन टेक्सटाइल का इंडस्ट्री डेवलप होता गया, उसका बहुत ही बुरा असर जो था इंडियन मार्केट में डालने लगा। क्योंकि उस समय जो था जो इंडियन कपड़ों का डिमांड था ब्रिटेन में, उसको रोकने के लिए सबसे पहले तो कालिको एक्ट लागू किया गया था। उसके बाद जो कपड़े इंडिया से ब्रिटेन या फिर फॉरेन के मार्केट में लाया जाता था उनके लिए इंडियन के जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो इससे जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको बहुत लॉस सहना पड़ता था। तो उसके बाद क्योंकि जो ब्रिटेन में कपड़े बनते थे वो मशीन में बनते थे, तो उनके साथ इंडियन कपड़ों को भी कम्पीट करना पड़ता था, क्योंकि मशीन का कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते थे और वो इजीली वो बन जाता था। उसके बाद वो बहुत ही चीप प्राइस में भी मिलता था, तो उनके साथ इंडियन कपड़ों को भी कम्पीट करना पड़ता था। तो 19th सेंचुरी के शुरुआत में जो इंग्लिश जो ब्रिटेन के लोग थे वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे डेवलप होता गया, वो पूरे यूरोपियन मार्केट से इंडियन कपड़ों को बाहर निकालने में वो सक्सेस हो गए थे। तो इससे जो है वो बहुत सारे वीवर्स इंडिया में जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, वो जो जिनको जॉब मिला था नौकरी मिला था वो लोग जॉबलेस हो गए, और बहुत ज़्यादा असर जो था वो बंगाल के वीवर्स को सहना पड़ा था। और उसके बाद जो इंग्लिश या फिर यूरोपियन कंपनीज के नीचे के एजेंट लोग हुआ करते थे, जो लोग कि सब पहले आके इंडियन वीवर्स को पैसे एडवांस में देते थे और उसके बाद जब उनका ऑर्डर पूरा होता था तो पूरा पैसे दे के अपना सामान लेके जाते थे। तो जब यूरोप में इंडस्ट्री ग्रोथ होने लगा तो वो लोग ऐसे जो एजेंट थे वो इंडियन ट्रेडर्स को एडवांस देना भी बंद कर दिए। तो इससे जो इंडियन ट्रेडर्स या फिर जो वीवर्स थे जो स्पिनर्स थे उनके लाइफ में वो बहुत बुरी असर डालने लगा था। तो उसके लिए जो वीवर्स थे वो गवर्नमेंट को एक पिटीशन लिखे कि उनको जो है उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बचाया जाए। उसके बाद 1830 आते आते उनका जो सिचुएशन था वो और ज़्यादा बुरा हो गया, क्योंकि 1880 तक
जो जितने भी कपड़े इंडिया के लोग यूज करते थे उसके 2/3 लोग खाली ब्रिटिश मेड कपड़ों को पहनते थे। तो उससे क्या होता था, जो इंडियन मार्केट्स था वो बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो फॉरेन कपड़े पहनना पसंद करते थे, क्योंकि एक तो वो मशीन मेड था, दूसरा वो सस्ता था। तो इससे बहुत सारे रूरल वोमेन जो लोग स्पीडिंग का काम करते थे वो लोग भी जॉबलेस हो गए और इधर उधर काम की तलाश में भटकते रहते थे। तो उसके बावजूद भी देखो, इंडिया में जो हैंडलूम का काम था वो पूरी तरह से वैनिश नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको कि हमेशा मशीन में नहीं प्रिंट किया जा सकता है, जैसे कि साड़ियाँ। तो साड़ियाँ का जो जो बॉर्डर्स होता है या फिर उसमें जो यूनिक और ट्रेडिशनल प्रिंट होता है वो खाली हैंडलूम या फिर हाथ से ही किया जा सकता है। तो कुछ लोग जो थे जो रिच पीपुल थे या फिर जो मिडिल क्लास लोग थे वो लोग ऐसे साड़ी को पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए जो साड़ियों का डिमांड था उस समय भी वो बरकरार था। उसके बाद जो ब्रिटेन में जो मशीन था वो बहुत ज़्यादा कोर्स कपड़ा भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। कोर्स कपड़ा मतलब जो थोड़ा दरदरा रहता है, उतने फाइन या फिर पॉलिश नहीं होता, क्योंकि वो कोर्स कपड़े जो थे इंडियन के जो पोअर पीपुल होते थे वो लोग यूज करते थे। तो ऐसे कपड़े खाली इंडियन की मार्केट में ही अवेलेबल होता था। तो इसलिए जो रिच पीपुल थे वो साड़ियों का डिमांड के लिए उनका जो यूविंग का काम था वो चल चल पा रहा था, और जो पोअर पीपुल कोर्स कपड़े पहनते थे उसके वजह से भी इंडियन मार्केट जो था वो ठीक ठाक चल रहा था। तो इसका मतलब ये कि जो हैंडलूम था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो साड़ियों के लिए ऐसे बहुत सारे सेंटर्स, नए नए सेंटर फिर से शुरू होने लगा था, जैसे कि सोलापुर जो कि वेस्टर्न इंडिया में है, मदुरा जो कि साउथ इंडिया में है। ये दोनों सिटी उस समय एक इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ वीविंग के हिसाब से एमर्ज हुए थे। और उसके बाद जब महात्मा गांधी स्वदेशी मूवमेंट या फिर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें ब्रिटिश गुड़ को बॉयकॉट करने के लिए सभी लोगों को बोले थे, और जो हैंडलूम कपड़ा या फिर स्वदेशी मेड जो खादी कपड़ा था उसको यूज करने के लिए लोगों को समझाते थे। तो उस समय भी जो हैंडलूम कपड़ा था, जो खादी का यूज, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। और जो खादी था वो एक नेशनल सिंबल के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। और चरखा, तुम लोग भी देखे होगे कि जो चरखा था वो पहले हमारे नेशनल फ्लैग में उसको बीच में रखा गया था एज ए सिंबल, जो कि 1931 में उसको लिया गया था। तो जो वीवर्स पहले इंडियन मार्केट में काम करते थे या फिर कपड़े प्रोड्यूस करते थे, तो बाद में उनका क्या हुआ, तो ज़्यादातर जो लोग थे वो लोग एग्रीकल्चरल लेबर का काम करने लगे। कुछ लोग जो थे वो अलग अलग सिटीज़ में माइग्रेट हो गए, शहरों में माइग्रेट हो गए काम की तलाश में, और कुछ लोग जो थे वो अलग अलग कंट्री को माइग्रेट हुए प्लांटेशन काम के लिए, जैसे कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, तो वहाँ पर वो प्लांटेशन काम के लिए माइग्रेट होकर चले गए। और कुछ जो थे वो लोग जो शहरों में नए नए इंडस्ट्री डेवलप हो रहा था तो वहाँ पे काम करने के लिए चले गए, जो कि अहमदाबाद, सोलापुर, मुंबई, नागपुर और कानपुर में शुरू हुए थे।